अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं बशीर और आप सबको वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज की जो वीडियो है, जो भी शेड का जितना भी है कचरा सारा साफ होने लगा है जब से बर्ड्स इधर रखे हैं सितंबर में, ठीक है। उसके बाद से आज ये कंप्लीट पहली बार सफाई करने लगे हैं। दाना गिरा हुआ था, बर्ड मोल्ड पे थे, तो उसके अलावा जब उन्होंने बॉक्सेस की नेस्टिंग की है, नेस्टिंग बाहर गिरी हुई थी तो उस पर पानी वगैरह पड़ के और जो दाना था उस सब में ना कीड़े पड़ गए। तो आज ये सारा साफ होने लगा है और मज़ीद ये गर्मी आ गई है तो इस वजह से अब एयर कूलर इंस्टॉल होगा। तो उससे पहले मैं चाह रहा था कि एक अच्छी तरह एक बार ना सफाई हो जाए इसकी सारी। तो बस इसी सिलसिले में आज सफाई करने लगा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ सारा। चलते हैं बाकी वीडियो भी जाए। तो ये जी रेगुलर सफाई के बाद, मतलब एक हफ्ते के बाद ट्रे साफ होती है, लेकिन उसके बाद भी ये वो सारा है वेस्ट जो नहीं निकल पाता था, जो इधर कॉर्नर्स वगैरह में या केजीज के पीछे होता था। ब्रीडिंग सीज़न था, इस वजह से मैं केजीज को बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। तो अभी ये सारा निकाला है और इसमें से जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि वो कीड़े बहुत ज़्यादा निकले हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। ये भी आप देख सकते हैं इस तरह के। तो इस वजह से अभी ये सारा साफ हो गया। अब इसको उठा के इसको एक बार वॉश करूंगा अच्छे से। तो ये जी अपने राह, ये जी सारा शेड साफ हो चुका है अच्छी तरह धोने के बाद, और ये देख लें अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एयर कूलर लगाया इनके लिए, दोपहर के टाइम काम आता है। तो बताना ये आप सबको कि जितनी ज़्यादा सफाई रखेंगे बर्ड आपका उतना ज़्यादा खुश रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और उतने ही अच्छे रिज़ल्ट देता है। जब भी बीमारी आती है, ठीक है, सबसे पहला रीज़न उसका यही होता है कि गंदगी। बीमारी आती ही गंदगी की वजह से है। तो बस आपने ये ख्याल रखना है इनका,